पिछले 24 घंटे में इजरायली सेना ने भीषण बमबारी की है। हमास के 150 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हमास के कई लड़ाकों को मार गिराया गया। हमास की सुरंगों को तबाह कर दिया गया है। हमास के भूमिगत ढांचे भी ध्वस्त। IDF ने हमले का वीडियो जारी किया। तो हमास की सुरंगों को निशाना बनाया गया। देखिए, हमास के भूमिगत ढांचे को भी ध्वस्त किया गया है। हमास पर बड़ा हमला IDF ने किया है और अब कहा जा रहा है कि इसी तरीके से हमले और तेज करेगा IDF। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे रात में जोरदार अटैक हुआ है। रॉकेट, मिसाइल, बमों से हर तरीके से हमला किया जा रहा है और धमाकों की गूंज पूरे गाजा पट्टी में सुनाई पड़ रही है। देख रहे हैं जहां इजरायल के ऑपरेशन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और अब जरा इन तस्वीरों को थोड़ा तफसील से आपको बताते हैं बिग वॉल पर। देखिए मेरे दोनों तरफ तस्वीरें, एक मेरी साइड है और दूसरी तरफ निधि की साइड है। सबसे पहले यहां देखिए कैसे जल थल नभ इन तीनों ही मोर्चों से हमला किया जा रहा है। और देखिए कैसे जो फाइटर प्लेन है वो उड़ान भर रहे हैं, रॉकेट भी दागे जा रहे हैं। एक के बाद एक कई हमले इसी तरीके से गाजा में जारी। और मेरी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बमबारी हुई है आसमान से और जिस इलाके में जो हाईली डेंसली पॉपुलेटेड था, जहां इमारतें थी, वहां पर अटैक किया गया है। और वहां पहले तो इवैक्यूएट करा लिया गया पूरे इलाके को, लेकिन जो बमबारी हुई है ये आसमान से बमबारी, और पूरा इलाका तहस नहस होता हुआ दिखाई दे रहा है इस बमबारी में। ये बता रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है इसराइल का। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी लगातार मौजूद हैं इस खास शो में। हमारे साथ एयर मार्शल रिटायर्ड राजेश कुमार जी जुड़ रहे हैं रक्षा विश्लेषक के तौर पर। JK त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत के तौर पर। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। प्रोफेसर सतीश कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। आप तमाम मेहमानों का स्वागत है और चर्चा करेंगे आपसे शुरुआत करते हैं। लेकिन गाजा बॉर्डर से मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। मनीष, आज 22वां दिन है इस युद्ध का, लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो वाकई खौफनाक हैं। बता रही है कि ग्राउंड ऑपरेशन तेजी से इजराइल बढ़ा रहा है और गाजा समतल होने की कगार पर आ चुका है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त TV9 की टीम गाजा बॉर्डर के पास मौजूद है और संजोग देखिए कि एक ऐसी रात की जब सुबह हुई है, तो अगर मैं संकेतों में पहले शुरू करूं तो आज आसमान में कोहरा छाया हुआ है। यानी मेरे पीछे का वो हिस्सा जहां पर कि गाजा बॉर्डर है, जहां पर कि गाजा पट्टी है, जहां पर कि लगातार रात भर ऑपरेशन चले हैं, हवाई हमले हुए हैं, वहां पर कोहरे की वजह से अमूमन ऐसा होता है कि सामने में जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां जब गाजा पट्टी की तरफ से रॉकेट दागे जाते हैं तो वो आसमान में मुझे दिखाई भी देते हैं, लेकिन अभी कोहरा छाया हुआ है। गाजा पट्टी में क्या हुआ, रात भर कितनी तबाही हुई, अभी क्या हालात है, इसको लेकर ठीक वही स्थिति बनी हुई है जैसे यहाँ कोहरा है, वैसे ही दुनिया भर के लोगों को नहीं पता कि गाजा में रात कैसी बीती, गाजा में जो कुछ हुआ उसके बाद वहाँ की स्थिति क्या है, ये किसी को नहीं पता क्योंकि वहाँ भी कोहरा है। वैसे ही चूंकि वहाँ पर मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, वहाँ से लोग अब बताने की स्थिति में नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल डिफेंस फोर्स भी फिलहाल अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाए हुए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी जब हमारी कुछ बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इजराइल ने एक खास रणनीति अपनाई है। और देखिए अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे धमाके की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, रह रहकर धमाके की आवाज़, जो आर्टिलरी फायर हो रहे हैं वो धमाके की आवाज़ लगातार सुनाई दे रही है। और TV9 की टीम इस वक्त गाजा बॉर्डर पर मौजूद है और मैं आपको बता रहा था कि इजरायली डिफेंस ऑपरेशन को लेकर एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है जो हमारे एक्सपर्ट उस पर बात भी कर पाएंगे कि इस वक्त जो इजराइल की सेना आगे बढ़ रही है, पहले दो रात हमने देखा कि वो थोड़ी आगे बढ़ी पीछे आई, फिर थोड़ी आगे बढ़ी फिर थोड़ी पीछे आई, लेकिन आज जहां से आगे बढ़ी थी वहां से फिर वो थोड़ी आगे बढ़ी लेकिन इस बार पीछे नहीं आई है, इस बार वो वहीं पर या उससे बहुत कम पीछे आई है। तो इस तरह धीरे धीरे करके गाजा की पट्टी के अंदर ऑपरेशन चल रहा है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस दौरान लगातार मुझे धमाके की आवाज़ पीछे गाजा पट्टी में हो रहे ऑपरेशन की, बिल्कुल सावधानी से रिपोर्टिंग करिए आप मनीष। तो देखिए जहां हमारे संवाददाता मनीष मौजूद है ठीक उसी जगह पर लगातार धमाकों की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं और किस तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट में मनीष बता रहे थे कि इजरायली सेना अब आगे बढ़ रही है, अपने ऑपरेशन को तेज करिए। एक और बड़ी खबर, गाजा में आधी रात को हमले पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। हमास को घेर कर हमले की अब रणनीति तैयार की जा रही है। हमले से पहले अचानक वॉर कैबिनेट की एक बैठक हुई है। नेतन्याहू ने विनाशक हमले की मंजूरी दी। बिजली और इंटरनेट बंद करना रणनीति का हिस्सा है।